गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. लास्ट वीडियो में मैंने आइडेंटिटीज वाला पार्ट लिया था. ये सारे आइडेंटिटीज हैं, उनको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं आपको. नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ लास्ट सिक्स ट्रिग्नोमेट्री. क्वेश्चन 5 4 दिस इज से एनालिसिस ले रहे हैं अपन. 1 + sec 1 + 1 upon cos एक एलसीएम इस कॉस है, कॉस है प्लस 1 upon 1 upon cos 1 + cos है अपॉन कॉस है इंटू कॉस है अपॉन 1 cos है. कॉस कट गया 1 + cos है. ओके, लेकिन आरएचएस देख के नहीं लग रहा कि 1 upon cos है आ रहा है. देन विल टेक आरएचएस. जब एलएचएस आरएचएस है, आरएचएस एलएचएस नहीं आएगा, विल सॉल्व both accounts. Then we'll take answers. Sin square a. Can you use int? 1 minus cos square a. 1 minus cos a. You can use int of a square minus b square. 1 plus cos a. 1 minus cos a. Upon 1 minus cos a. Cut ke upar niche. This is 1 plus cos. Okay. LHS equals to RHS. It is verified. Okay. Next. Question number 5. It is slightly differ, but this is very, very important question. Question number 5 is very, very बहुत important question है. और इसके pattern अलग अलग हैं, मैं clear करता हूँ. फिफ्थ पार्ट, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए. ओके, अब ध्यान दें, ये क्वेश्चन कॉस साइन में है, कोसेक और कॉट में भी है. कई बार कोसेक की जगह सेक लेंगे और कॉट या टेन लेंगे, सेक और टेन में भी कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, एनालिसिस साइन का तरीका है, कई बार साइन कॉस की जगह आपको टेन और कॉट के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा अलर्ट रहें. देखिए आरएचएस क्या है टर्म में, कोसेक और कॉट. कोसेक मीन्स 1 upon sin और कॉट मीन्स कॉस अपॉन. ओवरऑल डोमिनेटर इज साइन थीटा. डोमिनेटर क्या है अपना, साइन थीटा. जब भी इस तरह क्वेश्चन हो, थोड़ा पहचाने इस चीज को और क्या करना है आपने को, एलएचएस की हर एक टर्म को साइन थीटा से डिवाइड करना है. यू कैन डिवाइड ईच टर्म ऑफ एलएचएस बाय साइन थीटा. कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 upon sin. हर एक टर्म को मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया. ओके, क्योंकि ऐसा, क्योंकि एक टर्म पे कन्वर्ट देंगी कोसेक और कॉट, अदरवाइज इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा. अब ध्यान दें, व्हाट इज कॉस अपॉन साइन, दिस इज कॉट ए, 1 कोसेक ए, दिस इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक. ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. यदि क्वेश्चन में राइट साइड में sec और tan होता, यू विल डिवाइड ईच टर्म बाय cos थीटा. याद रखिए, क्वेश्चन को देख के पहचानना सीखिए आप लोग, क्योंकि इसमें sin और cos, sin sin है, उसमें क्या होगा, दोनों में cos आएगा, तो ईच टर्म डिवाइड बाय cos. अपना क्वेश्चन कन्वर्ट होगा sec में और tan. अब थोड़ा सा इसमें शिफ्टिंग करना पड़ेगा, ये माइनस वन है, राइट में लेके जाएंगे अपन, यहां तक नोट कर लें आप.
दिस माइनस वन ट्रांसफर इन माइनस वन, सिर्फ इस टर्म को आगे पीछे किया मैंने। ओके अब देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए क्लोज इन वन ब्रैकेट आइडेंटिटी ऑफ वन इन कोसेक एंड कॉट वन इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डॉक्टर इज सेम cot a plus cosec a one is common, this is identity of a plus b a minus b a square minus b square, this is cosec a plus cot a second bracket cosec a minus cot a, denominator is same. कोई विशेष बेसिक नहीं है, जो माइनस वन पहले था उसे लास्ट में लिख दिया अपने, क्यों लिख दिया इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है अपने को, और फर्स्ट टू टर्म्स को बैठन डाल दिया कॉमन इन दीज टू टर्म्स ओनली वन इट्स फैक्ट्स आर ए प्लस बी माइनस बी डॉक्टर इज सेम, डॉक्टर सेम ही रहेगा सेम नहीं करना उसको। अब ध्यान से देखें कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए बोथ आर टर्म्स आर सेम ए कॉमन, कॉट ए प्लस कोसेक ए वन जो कॉमन लिया था वन माइनस ये कॉमन आ गया टर्म बच गया माइनस कॉट ए अपॉन डिनोमिनेटर, ध्यान दें इस स्टेप तरफ, जब भी कॉमन लेना है ध्यान से कॉमन लें, जब भी कॉमन आया फर्स्ट टर्म में बच गया वन माइनस ये कॉमन आ गया तो ये टर्म बच गया अपना ब्रैकेट के अंदर और क्लोज ब्रैकेट। ओके आफ्टर दैट यू कैन ओपन दिस ब्रैकेट, जब भी ओपन करेंगे ब्रैकेट को माइनस साइन बाहर है चेंज द साइन, प्लस का माइनस हो गया ये माइनस का प्लस हो गया, दीज टर्म्स आर सेम दोनों टर्म सेम है कट जाएगी, क्या बचेगा राइट साइड में कॉट ए प्लस कोसेक ए दिस इज This is very very important question. Then it's seventh part. Sin theta minus two sin cube theta हमेशा की तरह साइन थीटा इज कॉमन इन ब्रैकेट वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज कॉमन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ओके साइन अपॉन कॉस इज टेन थीटा, ये चाहिए अपने को टेन थीटा, अब ये टर्म कैंसिल होनी चाहिए तभी अपना रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखा बेटा दिस इज साइन और दिस इज कॉस, मैंने न्यूमरेटर को सेम रखा डॉक्टर टू कॉस को थीटा कन्वर्ट इन वन माइनस साइन को थीटा माइनस वन, ओके टेन थीटा वन माइनस टू साइन को थीटा अपॉन ओपन द ब्रैकेट दिस इज टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू में से वन गया तो क्या बचा ओनली वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा दोनों कट गए ऊपर नीचे, दिस इज टेन थीटा इक्वल्स टू आर एच एस, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है थोड़ी सी स्पेस पे ही हो गया,
किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, नई नई वीडियोस मिलते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम मैथमेटिक्स के। नेक्स्ट सर, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में कई बार आ चुका है, एट पार्ट साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, आपको सिंपली ए प्लस बी होल स्क्वायर लगानी है और ब्रैकेट ओपन करना है। दिस ए प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए टू साइन ए कोसेक ए प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए एंड सेक। अब ध्यान रखिए आपको सिर्फ टेन स्क्वायर चाहिए, कॉट स्क्वायर चाहिए और सेवन चाहिए। ध्यान दें दिस इज साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, वॉट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज वन आ गया। कोसेक नहीं चाहिए अपने को, कोसेक स्क्वायर एंटी क्या बेटा वन प्लस कॉट स्क्वायर है, कोस की स्क्वायर कन्वर्ट इन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए टू साइन ए इंटू कोसेक मीन्स वन अपॉन साइन ए काटे आपको कॉस स्क्वायर अपन यूटिलाइज कर सके हैं, सेक स्क्वायर मीन्स वन प्लस टेन स्क्वायर ए टू कॉस ए इंटू वन अपॉन कॉस ए कर दिया, ये भी कर दिया। अब देखिए वन प्लस वन टू, टू प्लस टू फोर, वन फाइव, फाइव प्लस टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर आ गया अपना आंसर। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, यहां से करना है। देन नाइन्थ पॉइंट, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए स्लाइटली डिफर। कोसेक मीन्स वन अपॉन साइन, साइन ए वन अपॉन कॉस यू विल टेक एलसीएम, टेक एलसीएम दिस इज साइन ए वन माइनस साइन स्क्वायर ए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस वन माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए दिस इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए एक साइन साइन कर गया कॉस कॉस कर गया ये आ गया अपना साइन ए कॉस। ओके बट आर एच एस इज डिफरेंट नहीं आ रहा था तो मैंने क्या बताया था आपको जब एल एच एस आर एच एस नहीं आए कोई टेंशन लेनी होती है कन्वर्ट इन साइन कॉस। ले रहे हैं इसका आर एच एस वन अपॉन टेन ए, टेन ए मीन्स साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए मीन्स कॉस ए अपॉन साइन ए, टेक एलसीएम ऑफ ग्राउंड कर दिस इज कॉस ए इंटू साइन ए दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
रेसिप्रोकल डॉटर इज कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज वन। अब ध्यान से देखें, दिस इज एलएचएस और दिस इज आरएचएस, बोथ आर इक्वल, सो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, वेरीफाइड। देन इट्स 10th पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि आईडेंटिटी आपको याद हो जाए तो। 10th पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर 1 माइनस tan a 1 माइनस cot a 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। मैं ले रहा हूं LHS, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर 8 इज sec स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर इज cosec स्क्वायर sec means 1 upon cos स्क्वायर और cosec means 1 upon sin स्क्वायर रेसिप्रोकल हो गया sin स्क्वायर upon cos स्क्वायर sin स्क्वायर upon 1 दिस इज 10 स्क्वायर। आपने एलएचएस लिया और आरएचएस आ गया। हम मिड टर्म लेंगे, मिड टर्म 1 माइनस tan a कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, सो कन्वर्ट इन साइन एंड कॉस, कॉस ए अपॉन साइन ए पॉलिस टेक एलसीएम, दिस इज कॉस ए, कॉस ए माइनस साइन ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज साइन ए माइनस कॉस ए, यदि माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने इसमें से क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपन कर चुके हैं एक चीज ऑलरेडी, ओके कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए टर्म्स आर सेम, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है, माइनस कॉमन ले लें तो बोथ आर सेम, ये दोनों कट गए, क्या बच गया माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, दिस इज माइनस टू स्क्वायर प्लस दिस इज टेन स्क्वायर इक्वल्स टू आर एच एस। इस तरह आप इजीली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बस आइडेंटिटी परफेक्टली याद होनी चाहिए, यदि आइडेंटिटी याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।